गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में पैसा छापने की मशीनें कहां कहां हैं, पैसों का पेपर कहां बनता है, स्याही कहां से आती है, नोटों की छपाई में कितना खर्च आता है और पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं। गाइस हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां नोट छापे जाते हैं। ये प्रेस एमपी के देवास, मैसूर, नासिक और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है। देवास में 10, 50 और 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। नासिक में 20 रुपए के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 रुपए के नोट छापे जाते हैं और सालबोनी में 2000 और 500 रुपए के नए नोट छापे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल है। ये टकसाल मिल 4 शहरों में है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। गाइस अब बात करते हैं कि नोट बनाने के लिए पेपर कहां से आता है। जिस पेपर पर नोट छापे जाते हैं वह एमपी के होशंगाबाद और महाराष्ट्र के करेंसी नोट से सप्लाई होकर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाया जाता है। कुछ पेपर्स को जर्मनी, जापान और यूके से भी इम्पोर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि एक आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार 80% नोट विदेशी कागजों पर छपते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है भारतीय नोट में लगने वाली स्याही कहाँ से आती है? भारतीय नोट में लगने वाली स्पेशल स्याही को स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से लिया जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पैसे हम तक पहुँचते कैसे हैं? गाइस आरबीआई के देश में 18 ऑफिस है। ये ऑफिस अहमदाबाद, चंडीगढ़, बैंगलोर, बेलापुर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कानपुर, जम्मू, नागपुर, मुंबई, पटना, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और लखनऊ में है। वहीं सबसे पहले नोट इन आरबीआई ऑफिसेस में पहुंचते हैं, इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक्स में भेज दिया जाता है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश में पैसा कहाँ और कैसे बनता है। तो चलिए अब जानते हैं कि खराब नोटों का क्या होता है। गाइस जब नोट फट जाता है या खराब हो जाता है तब उसे बैंक में जमा किया जाता है। बैंक इन सभी नोटों को आरबीआई के कार्यालय में भेज देता है जहां इनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोट छाप दिए जाते हैं। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2000 के नोट पे 3.54 रुपए, 500 के नोट पे 2.94 रुपए और 200 के नोट पे 2.93 रुपए का खर्च नोट के छापने पे आता है। गाइज अब आपको नोटों के बारे में ये जानकारी अच्छे से समझ आ ही गई होगी। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।